दोस्तों जब भी हम एसी लेने का प्लान करते हैं जो एयर कंडीशन है, तो उसमें दो चीज़ें प्रॉब्लम सामने निकल के आती हैं, जो कि उसका प्राइस और उसका बिल। तो मतलब ये दोनों चीज़ों की वजह से हम एसी लेने का प्लान नहीं करते या फिर अपना मन दबा लेते हैं। लेकिन हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने एक ऐसी योजना लाई है, एयर कंडीशन योजना, जिसके तहत आप ये दोनों चीज़ों का फायदा होगा। इसी के साथ साथ इस एसी में आपको अलग अलग फीचर्स भी मिलेंगे और बहुत सारे फायदे हैं। तो वो सारे फायदे क्या हैं, आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो डिसीजन लिया है एसी लॉन्च करने का, वो भी कम प्राइस में। तो यहाँ पर अगर मैं बता दूँ कि जो अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, जैसे एलजी हो गया, पैनासोनिक हो गया, डाइकिन, मित्सुबिशी, ये जितने ब्रांडेड एसी आते हैं उसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मोदी जी ने यहाँ पर डिसीजन लिया कि आपको जो भी एसी मिलेंगे उसका प्राइस ये सब ब्रांड के कंपेरिजन में 15 से 20% कम होगा। तो यहाँ पर एसी का प्राइस आपको ऑटोमेटिकली कम देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट इसका निकल के आता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ इसके इलेक्ट्रिसिटी सेविंग की, तो यहाँ पर जो 5-स्टार एसी वाले जो ब्रांडेड एसीज है उसको भी बीट करेगा, अच्छे से परफॉर्म करेगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव भी करेगा। तो यहां पर ये दोनों पॉइंट की वजह से ये एसी काफी मार्केट में चर्चित होने वाली है। और इसी के साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एसी है ये लॉन्च होने वाला है ईएसएल, जो एक गवर्नमेंट कंपनी है, उनके द्वारा ये मैन्युफैक्चर होगा और वो लोग लॉन्च करने वाले इस एसी को। और दोस्तों, अगर आप सभी को याद होगा कि ये सेम कंपनी, मतलब ईएसएल जो कंपनी है, इन्होंने एलईडी बल्ब और पंखे लॉन्च किए थे कम प्राइस में, तो वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी सेव भी हुई थी और काफी पंखे जो है काफी कम प्राइस में आपको देखने मिल गए थे। तो सेम कंपनी यहां पे एसी भी लॉन्च करने वाली है। अब लॉन्च करने की जब बात आई गई, तो ये जब मैं आपको बता दूं कि ये जुलाई महीने में, जुलाई के मिड, मतलब 10 जुलाई या 15 जुलाई से 2019 से ये एसी आपको ऑनलाइन देखने मिल जाएगी। और इसी के साथ ही साथ आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हो, मतलब अगर आपके पास कोई पुराना एसी है और आप चाहते हो कि उसको नया ले, तो ये फिर यहाँ पे भी आपको इसका फैसिलिटी देखने मिल जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पर। दोस्तों बात कर ले इस एसी की वारंटी की, तो यहाँ पे आपको इंडोर यूनिट की 1 ईयर की वारंटी देखने मिल जाएगी। इसी के साथ साथ 5 साल की आपको कंप्रेसर की वारंटी देखने मिलेगी। और अगर बात कर लो इसके क्राइटेरिया की, मतलब इसका क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है इस एसी को पाने का, तो एक क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। सिंपल यही कि अगर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपके नाम पे होना चाहिए, अगर आपके नाम पे नहीं है तो आप ये एसी नहीं ले पाओगे। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपको लैंडलॉर्ड का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा और उनके ही नाम पे ये एसी रजिस्टर्ड होगा। तो यहाँ पर मोदी जी ने बहुत स्मार्ट वाला दिमाग लगाया, जो हमेशा वो लगाते रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल जून 2018 में मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया था एसी के टेम्परेचर को लेकर, कि मतलब एसी का जो टेम्परेचर हो 24 से 26 के बीच में हो, मतलब 24 डिग्री से 26 डिग्री ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सेम चीज़ आपको इस एसी में भी देखने मिलेगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। दोस्तों मोदी जी ने जो डिसीजन लिया एसी लॉन्च करने का, बहुत ही अच्छा है। और एसी की बात करूं तो एसी भी काफी अच्छा हुआ, क्योंकि प्राइस भी कम मिल रही है और बिल भी सेव कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें प्लस पॉइंट में, इसलिए कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन मोदी जी से मेरी एक रिक्वेस्ट होगी और हमारे सारे व्यूवर्स जितने भी देख रहे हैं इस चैनल को या इस वीडियो को, सबसे रिक्वेस्ट होगी, सबकी तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए मोदी जी कि यहाँ पे कितने सारे हमारे इंडिया में कितने जगह हैं, कितने सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे वहाँ पे उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो ये एसी किस काम का उनके लिए। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट होगी कि सिर्फ और सिर्फ सब जगह पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दे, एटलीस्ट 24 घंटे उनको इलेक्ट्रिसिटी मिले। एसी का तो बाद में देखा जाएगा, पहले आप इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ ना कुछ काम कीजिए, कुछ ना कुछ उस पर आप जरूर मेहनत कीजिए, आप कुछ भी कुछ आइडिया इंप्लीमेंट कीजिए उस चीज़ के लिए। और दोस्तों आप सभी का क्या मानना है इस एसी के बारे में, जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, शायद इस वीडियो के जरिए हम कुछ अपने देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो प्लीज आपका जो ओपिनियन है, आपका डिसीजन है, आपका रिकमेंडेशन है, सजेशन है, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए इसी एसी के बारे में। तो दोस्तों अगले महीने जुलाई 2019 10 तारीख या 15 तारीख से जब भी ये ऑनलाइन इसका प्रोसीजर चालू होगा, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि किस तरह से इस एसी को परचेस करना है ऑनलाइन। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना जाना नहीं और वीडियो को लाइक भी कर देना। और दोस्तों जाते जाते कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हो, तो एक सही सेल आने वाली है अमेजोन पे 10 तारीख से 13 तारीख के बीच में। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से चेकआउट कर लीजिए। अगर आप वन प्लस का फोन लेना चाहते हैं, सैमसंग का लेना चाहते हैं, हुआवे, सब सारे पे बहुत अच्छा ग्रैंड ऑफर आपको देखने मिल जाएगा। तो आप जरूर लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन में उसको चेकआउट कर लीजिए और आपको अच्छा डील मिल जाएगा। तो आपके लिए हम इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं, जहां से आपका आप कुछ पैसे बचे, कुछ अच्छी नॉलेज मिले और आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर सके। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और इसी के साथ साथ सब्सक्राइब करने बिना तो जाना ही नहीं। और आपको मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय। इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम भी फॉलो करो, आईडी हैप्पी
गाइड। मिलता हूँ अगले वीडियो में।